पूरी रिसर्च करी, एक ही बंदा लगा हमें काम का। ये देखिए पूरे के पूरे डब्बे काजू बादाम, मतलब हिसार इतना बड़ा शहर है, पूरे शहर में मतलब इतनी डेकोरेशन और स्टैंडर्ड शेक के मामले में किसी ने मेंटेन नहीं किया हुआ। तो मैं भैया से ना मतलब क्रियोसिटी जागी मेरे अंदर, यार जानूँ यार ये आइडिया वाइडिया कहाँ से लेके आया ये, है ना। तो अपना फ़र्ज़ बनता है लोगों को ये वीडियो दिखाने का, और आई एम श्योर इनका जो शेक है वो भी बढ़िया होगा। आजा इधर आजा, तो आपको मिलाते हैं इस शेक ओनर के काजू बादाम सब कुछ मिक्स करके, एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट बना है, मज़ा आ रहा है मेरे को। So hello food lovers, my name is Snake and we are back once again। यार गर्मियाँ ना बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है इतना, मतलब पारा ना मार्च के महीने में ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। तो लेकिन हमारा काम है आपका ख्याल रखना। यहाँ पे खाने पीने को ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरी रिसर्च करी, एक ही बंदा लगा हमें काम का। ये देखिए पूरे के पूरे डब्बे काजू बादाम, मतलब हिसार इतना बड़ा शहर है, पूरे शहर में मतलब इतनी डेकोरेशन और स्टैंडर्ड शेक के मामले में किसी ने मेंटेन नहीं किया हुआ। तो मैं भैया से ना मतलब क्रियोसिटी जागी मेरे अंदर, यार जानूँ यार ये आइडिया वाइडिया कहाँ से लेके आया ये, है ना। तो अपना फ़र्ज़ बनता है लोगों को ये वीडियो दिखाने का, और आई एम श्योर इनका जो शेक है वो भी बढ़िया होगा। आजा इधर आजा, तो आपको मिलाते हैं इस शेक ओनर के जो सरपरस्त है, जिन्होंने ये मतलब काम शुरू किया है। भैया क्या हालचाल है, सबसे पहले हैंडशेक करना चाहूँगा मैं आपसे, कि जो बंदा ना दिमाग लगाता है कुछ अलग करने की कोशिश करता है, मैं उसे ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ यूनिक करो, कुछ इन्वेंट करो, कुछ खोजो। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हटके करना चाहिए। अच्छा, मैंने चाहा था कि मेरी क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट हो। अच्छा, मैं लोगों को कुछ ऐसा दूँ कि सबसे लगे कि हाँ कि बंदा कुछ दे रहा है। अच्छा, साफ़ सुथरा मिले उसे, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल साफ़ और सुथरा, कोई अलग से वैरायटी नहीं डाल रहे, बिल्कुल सिंपल और सोवर। जैसे कि चाहता था कि मैं कस्टमर को ऐसी चीज़ मिले कि पूरे शहर के अंदर कोई दे ना रहा हो, केले हैं या पपीता है या कोई भी शेक है, उसमें कोई भी चीज़ नुकसानदायक ना हो, कोई भी दागी चीज़ें यूजल में ना हो। ये जो इतनी सारी चीज़ें आपने रख रखी है, एक एक करके हमें जो गिनवा दीजिए, अगर मैं आपसे शेक बनवाऊँ स्पेशल, हाँ जी, तो क्या कुछ डालते हो उसमें स्पेशल शेक में? स्पेशल शेक में जैसे कि हमारे पास है अखरोट की गिरी, काजू, बादाम, चॉकलेटी क्रीम और रुआबजा गुलाब जल का वगैरह डालते हैं। तो अब इसके अंदर सारा कारनामा किया जाएगा वन बाय वन। सबसे पहले डालेंगे हम लोग इसमें कोकोनट, फिर डालेंगे इसमें काजू किशमिश। अच्छा, बनाना शेक के अंदर किशमिश, कोकोनट पाउडर, काजू, उसके बादाम, क्या बात है, गिरी। अच्छा अखरोट गिरी, ये देखिए बढ़िया वाला अखरोट है क्या? बेस्ट हल्का सामान मेरे यहाँ यूज ही नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हमारे पास डिमांड बेस्ट की है तो हम लोग बेस्ट ही डालते हैं। क्या बात है, ये क्या है भैया? इसमें है चॉकलेटी क्रीम। ओके, चॉकलेटी क्रीम, बहुत बढ़िया। इसमें है रुआबजा गुलाब जल वाले में। ओके, रुआबजा, और ये टेस्ट करने के लिए रेडी है आपका बनाना से। वाह, तो इसकी कीमत क्या है सर? इसकी कीमत है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का स्पेशल बनाना शेक, इसको हम नाम दे के जाएंगे कोई। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या है नज़ारे। सो नाउ लेट्स टेस्ट एक तिलस्मी बनाना शेक, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली है, और हिसार के अंदर तो ऐसा शेक आपको कभी भी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सबसे, मतलब मैं हैरान हूँ यार, मील गेट जैसे एरिया में ऐसी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही है। PLA वगैरह सब फेलिए, देखिए ये पूरा डिप हो चुका है मेरा, ये स्पून इतना बड़ा स्पून है ये, और 100 रुपये का है। पैसा वसूल तो अब टेस्ट के बाद ही हम बताएंगे सर, टेस्ट भी ज़रूरी है ना। चीज़ें तो इसके अंदर डाल दिए, अब टेस्ट का मामला है। तो ये डिप हो गया पूरा, है ना। अखरोट, अरे
भाई साहब इसके अंदर जो चॉकलेटी क्रीम डाली है, रूह अफ़ज़ा डाला है और काजू बादाम सब कुछ मिक्स करके एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट बना है, मज़ा आ रहा है मेरे को। मतलब गर्मियों में कभी भी बनाना शेक वगैरह पीने का मन करेगा तो यहीं पर आना पड़ेगा, मील गेट के एरिए में, जहाँ पे यूजली हम नहीं आते। ये देखिए इसके अंदर अखरोट, किशमिश, काजू बादाम एंड नेक्स्ट लेवल शेक है ये। सुपर्ब। तो एड्रेस मैं समझा देता हूँ, ये मील गेट का जो उधर मिल है, डीसीएम मिल के बिल्कुल पास में है ये। कशिश के नाम से है इनकी जो रेडी है, कशिश जूस कॉर्नर के नाम से। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा यार, ये शेक के अलावा और क्या कुछ मिलता है? इसका 100 रुपीज़ प्राइस है, थोड़ा सा आगे आया भैया। शेक के अलावा मतलब क्या और जूसेस भी है? हाँ जी सर, इसके अलावा मोटी वगैरह जूस है, ओके का जूस शेक भी है, चॉकलेटी शेक भी है, मतलब बहुत तरह के शेक और जूस मिल जाए। और कुछ ना कुछ वैरायटी आप चेंज करते रहते हो हिसाब से अपने, उसमें कोई ना कोई अपडेटिंग डालते। और कोई बंदा कम ज़्यादा करवाना चाहे कोई आइटम, वो भी हो जाती है, छोटा बड़ा साइज भी हो जाता है, इससे लार्ज भी हो जाता है, इससे छोटा भी हो जाता है, ओके। इसके अगर इसमें डलवाना चाहे तो आइसक्रीम वगैरह भी हो जाती है हमारे पास, ओके। आइसक्रीम भी डाल देते हो है? क्या बात है यार, मतलब नज़ारे ले आ दिए। तो इस वीडियो को लाइक करना है, अब आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले, हिसार के लोगों को, कि मील गेट के अंदर एक भैया है जो जिन्होंने तूफान ले आ रखा है शेक पिला के लोगों को, ऐसा शेक तो यार। हाँ, काफ़ी टाइम से मैंने रेटिंग नहीं दी, 10 out of 10 एंड जन्नत के नज़ारे एंड दिस इज़ कॉल्ड चमत्कार। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।